आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं रेंज से रिलेटेड वर्क पे। हमने कल बात की थी कि रेंज को कैसे कॉल किया जाता है और कैसे उसके ऊपर डेटा डाला जाता है, ये हमारी कल की क्लास का टॉपिक था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे रेंज से रिलेटेड, हेलो। तो बेसिकली अब मान लीजिए मुझे सबसे लास्ट में कर्सर लेके जाना है। हमने आपको सिखाया था कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है, हालांकि सिलेक्शन की डायनामिक सिलेक्शन मेथड अभी नहीं कराया, वो मैं कराऊंगा इस प्रोजेक्ट के बाद, जब थोड़ी सी आप एक्सेल को समझ जाएंगे। तो अभी फिलहाल मान लीजिए मुझे रेंज A1 से सबसे नीचे जाना है, यहाँ 31 पे, तो उसके लिए क्या कोड हो सकता है? तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड एक्सलेस आप अपने ऊपर डाउन नाम आप एक्सलेस डाउन डॉट सेलेक्ट। तो जैसे मैं इसको यहां पे रन करूंगा, मान लीजिए कर्सर मेरा यहां पर है, जैसे इसको रन करूंगा मैं कर्सर सीधे लास्ट में चला आएगा, चाहे डेटा कितना भी हो ना वो लास्ट में आ जाएगा। ऐसे आप लेफ्ट राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब इसमें कोई ब्लैंक सेल होता है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक कर दिया हमने। अब मैं इसको करूंगा तो मेरा कर्सर यहीं पे आकर रुकेगा, देखिए, क्योंकि ब्लैंक था। तो जो हम लोग जनरली करते हैं ना, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल डाउन एरो यूज करते हैं, सबसे लास्ट में चला जाता है। तो ये जो आपका एंड और डाउन का जो ऑप्शन है, ये यही चीज करता है। तो ब्लैंक हो तो कैसे रोका जा सकता है? तो उसके लिए मेथड है जो मैं बराबर यूज करता हूँ, रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट सेलेक्ट। तो ए कोड क्या करेगा कि आपका सबसे पहले A65000 पे जाएगा, फिर यहां से कंट्रोल और अप एरो यूज करेगा और सबसे लास्ट में, मतलब कि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं। एक के संभावित एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं कि 10,000 20,000 लाख, उसके बाद हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है सर? हेलो। हाँ सर, एक्चुअली मैं यस समझ में आया कि नहीं सर आपको? मोहित जी, सॉरी सुधाकर जी, सुधाकर, आज मेरा स्पीकर एक्चुअली ऑन नहीं था तो अभी ऑन हो गया। अरे आवाज आ रही जरा है बताएंगे फिर आपको? से, आवाज आ रही हो रहा? हाँ, मुझे अरे बताएंगे फिर दोबारा से। रिपीट। तो बेसिकली मैं कर्सर को अपने डेटा के सबसे लास्ट में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, या लेफ्ट में हो, राइट में हो, डाउन में। तो उसके लिए कोड क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। हम लिखेंगे रेंज, आपका डेटा स्टार्टिंग कहाँ से है वो डालिए, A1 डॉट एंड, और यहां पे हमने कर दिया एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरा कर्सर सीधे नीचे चला जाएगा। आ गया सर नीचे? नहीं, हाँ जी, A1 में। ओके A1 से आ गया ना, A31 में चला गया, क्योंकि 31 से डेटा था ना मेरा। डेटा अगर हाँ एक जी, लाख तक होता तो 1 लाख तक जाता। इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, जहां पे है लेफ्ट में लास्ट में जाना है तो लास्ट का काम करता है। बेसिकली करता क्या है ये, इसका काम बस यही है कि जो कर्सर मूव करते हैं ना अपना कंट्रोल के साथ, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल राइट एरो, अप एरो, उसी का यूज करता है। समझे सर? सही सर। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास ब्लैंक सेल्स हुए तो वो ब्लैंक से पहले रुक जाए, क्योंकि तो इसका सिंपल सा है कि अगर जहां ब्लैंक मिला वहां पर रुक गया, ब्लैंक मिलता तभी तो लास्ट में जाकर रुकता है वो, दिक्कत होगी ना सर, डेटा में ब्लैंक हो सकते हैं। तो यहां पे हम लोग एक मेथड अपनाते हैं कि मैंने क्या करते हैं कि रेंज
ए 65,000 या 10 लाख, डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए कर्सर मेरा यहाँ, ये क्या किया इसने, किया ए 65,000 और यहां से कंट्रोल और अप एरो यूज किया, जहां ब्लैंक खत्म हुआ वहां पे जाकर कर्सर रुक गया, मतलब कि सर आपके लास्ट डेटा मेरा है। एक क्वेश्चन था, अगर हाँ बोलिए, हमारे पास डेटा 65,000 रो से ज्यादा है तो हमने क्या बोला आपको, यहाँ हम, पे 65,000 या 10 लाख दे दीजिए। अच्छा ठीक है सर, 65,000 में इसलिए देता हूँ ताकि ये आपका 2003 वाला जो फाइल था ना एक्सेलेक्स, जो 65,000 समथिंग रो होते थे उस पर भी चल जाए। 10 लाख रो कर दिए तो बाउंडेशन हो जाएगा कि वो 65, ये आपका 2003 वाले सिस्टम पे चलेगा नहीं। तो मेरी हैबिट उस समय से है इसलिए वो हैबिट बरकरार है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से एक अनुमान लगा लीजिए कि मेरा डेटा इतना हो सकता है। आपका अनुमान नहीं है कि पता नहीं, डेटा बहुत हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम रो है 10 लाख का दे दीजिए। 10 लाख समथिंग रो का है ना मैक्सिमम कैपेसिटी, 10,48,576 ये दे दीजिए। ठीक है, समझे। सही। अब मुझे क्या करना है कि लास्ट सेल में नहीं आना है, मुझे लास्ट की अगली सेल पे ले जाना है ताकि मैं 500 इस पे टाइप करना है, समझे। तो मुझे एक नया डेटा सबसे नीचे डालना है, तो उस केस में हम सिलेक्ट को हटाएंगे और यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे लास्ट सेल से 1 रो नीचे जाना है सेम कॉलम में, तो डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, 500 कर दिया सर, अच्छा आ गया 500। अब दोबारा रन करूंगा तो 32 पे आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए खासियत, देखिए मैं जितना बार रन करूंगा उतना बार वो एक के नीचे 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 आएगा, दिख रहा है सर, समझे। सही। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि किसी सेल किसी और सेल की वैल्यू लू, तो मैंने कल बताया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओरिजिन डाल सकते। अब मान लीजिए कि मुझे अगले कॉलम में चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, मतलब कि सबसे नीचे आए और यहाँ से यहाँ जाए सेम रो में, तो यहाँ पे मैंने 0 और 1 कर दिया, तो 0 1 करने पे क्या होगा कि हम जैसे पेस्ट करेंगे, अब यहाँ आ गया सर, अब ये 43 के रो के ही अंदर में गया है, 44 पे यहाँ नहीं किया है। अब यहाँ पे 0 के जगह पे मैं अगर 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे डाला, क्योंकि वो यहाँ से ऊपर गया, 1 रो नीचे आया, फिर आगे गया, समझे। मान लीजिए मुझे लास्ट की सेकेंड लास्ट वैल्यू को डिलीट करना है, समझे सर, मुझे लास्ट की सेकेंड लास्ट वैल्यू डिलीट करनी है, तो यहां पे कॉलम तो 0 रखिए क्योंकि सेम कॉलम में चाहिए, और फिर इसमें माइनस लगा दे, माइनस लगाते हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा वो पीछे की तरफ बढ़ेगा, और मुझे वैल्यू डिलीट करनी है ना, तो हम यहां पे कर देंगे क्लियर या क्लियर कंटेंट। क्लियर करेंगे तो फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब डिलीट हो जाएगा, क्लियर कंटेंट करेंगे तो जस्ट क्लियर होगा। क्लियर है, यस आपको समझ में आया सर। हाँ सर। अब आपको दूसरे सीट पे जाना है कि मैं C2 के यहाँ पे, मान लीजिए C2 है सेल्स, मान लीजिए, तो अब मैं चाहता हूँ कि C2 के जाके के अंदर सेल्स में एक के नीचे वो 500 500 डालता रहे, तो हमें क्या करना है, इससे पहले क्या करना है सर, दागर जी क्या करना है मुझे, शीट लिखना है ना, हाँ शीट्स, और शीट्स के ब्रैकेट। अंदर में C2, चाहे जो भी कॉलिंग मेथड मैंने एक्सप्लेन की थी वो आप लेंगे एज पर योर सिचुएशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे C3 पे भी चला जाऊं तो देखिएगा, एक दो एक, एक, एक डिवर्ग हो गया, डिवर्ग सिलेक्ट वो -1 है ना, क्योंकि लास्ट फायर वर्क माइनस था ही नहीं देता ना, इसलिए -1 कर दिया था सर, 500। जितना बार सही। रन कर रहा हूँ 500 500 ऐड हो रहा है नीचे 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 नीचे, मेथड समझ में आया।
हेलो, हाँ आपको आया गोपाल जी? यस सर। तो अब आपको चलिए एक हम देते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको जाना है गूगल पे। कहाँ जाना है? गूगल बाबा पे। और आपको सर्च करना है फॉर्म, इमेज में जाना है, और एक ऐसा फॉर्म जो अपने सिस्टम पे आप डिजाइन कर सके वो फॉर्म उठा लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही फॉर्म मान लीजिए उठा लिया, सेम टिट्टो फॉर्म आपको बनाना है अपने एक्सेल। मैं ये आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ ताकि ये जरूरी नहीं कि आप यही ले, इसके अलावा भी आप कोई जो चूज करना चाहे कर सकते हैं, बट एज ए रेफरेंस के लिए मानो मैंने दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्म आपने डिजाइन कर लिया, तो आपके पास दो शीट होना चाहिए। एक शीट होगा फॉर्म का, इसका होगा फॉर्म, दूसरा शीट होगा डेटा का। ठीक है, ये जैसे आपने फॉर्म डिजाइन कर लिया ना यहाँ पे, तो डेटा शीट में इससे रिलेटेड आपको क्या बनाने हैं? फील्ड्स बनाने। ऐसा फॉर्म आपने डिजाइन कर लिया तो क्या बनाना है? फील्ड्स। इसमें इट्स क्या क्या फील्ड्स है? नेम, ईमेल, नेम नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, यही ना सर? यस। लेकिन जब भी हम कोई डेटाबेस में एंट्री करते हैं तो सिर्फ आपकी डेटा ही एंट्री नहीं होती है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी एंट्री होती है, जैसे कि एंट्री आईडी, डेट, टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया फर्स्ट नेम, फिर आपने यहाँ लिख दिया लास्ट नेम। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख, और यहाँ पे हो सके तो आप फुल नेम भी बना दीजिए, नहीं, देन ईमेल, फोन नंबर। इससे फायदा होगा कि आईडी जनरेट होगा, यूनिक आईडी जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, किस डेट के किस टाइम पे ऐड हुआ है वो पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे एडवांस बढ़ेंगे तो पीसी नेम, यूजर नेम भी डाल सकते हो कि हाँ किसने ये एंट्री किया, ताकि आइडेंटिफाई कर सके ना। कंपनी के सॉफ्टवेयर में ही होता नहीं कि भाई किसने, सर्वर बता देता है कि ये फाइल किसने डिलीट किया है, फाइल किसने चेंज किया है, ये एंट्री किसने किया है। क्योंकि जब कोई एंट्री करते हैं तो एंट्री नहीं आती है, कुछ एडिशनल जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो भी स्टोर करता है। तो एक एक सीट पे आपको इस तरह का फॉर्म बनाना है, और उस फॉर्म बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये माइक्रो कोड करना है, और ये बटन। अब बोलेंगे सर कि बटन तो आपने बताया नहीं, तो ये बटन है आपके सामने दिख रहा है, बटन लगाइएगा और जो कोडिंग वाली माइक्रो थी उसको सेलेक्ट करके असाइन कर दीजिए, बटन बन जाएगा, रन करते हैं वो कोड आपका रन हो जाएगा। ठीक है ना सर, समझे? लेकिन एक किस पे होगी? एक फॉर्म शीट पे होगी। बटन्स और फॉर्म कहाँ होगा? फॉर्म शीट पे होगा, समझ गया सर? डेटा शीट पे सिर्फ डेटा होगा। तो जो आपने अभी रेंज और ये जो बताया उससे मैं फॉर्म बना सकता हूँ ये? हाँ इस फॉर्म तो आप नॉर्मली एक्सेल बना सकते हैं, फॉर्म में क्या दिक्कत वो है? तो बना दिया, वो तो फॉर्म बना दिया, हाँ, लेकिन तो अभी ये तो जैसे कि सेल डेटा है। टाइप का कोई सेल ही होगा ना। जैसे अब चलिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे अब कर रहे हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, वो तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। हाँ फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ मान लीजिए फर्स्ट नेम हो गया। तो ये फर्स्ट नेम आप क्या करोगे, टाइप करेंगे तो बी बी फोर की वैल्यू डेटा में फर्स्ट नेम के नीचे रखना है आपको। क्या एग्जाम्पल जरा दिखाएंगे आप एक? एग्जाम्पल जब दे ही दूंगा तो फिर क्या फायदा होगा? अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक, ट्राई कर ये लेते दिखा ना हैं। आपको जो आज बताया, हमने आज क्या बताया कि हाँ किसी से किसी भी सीट के अंदर किसी कॉलम हाँ में एक के यस नीचे वैल्यू यस, कैसे डालेंगे ना। परफेक्ट परफेक्ट, तो ओके। यहाँ आपने 500 में मैनुअल डाला है, 500 की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगी, रेंज B2 डॉट वैल्यू, यही होगा ना सर? क्या तो ये सी मत कर रहे, तो देख करेंगे हाँ तब पता चलेगा। जी, तो इसको कीजिए।
देखिए क्या होता है ना सर, कि आप जब इस तरह के दिमाग पे जोर नहीं देंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। चलो मैं आपको हिंट दे दूंगा, समझा दूंगा, तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि भाई प्रोजेक्ट बराबर है, कि प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कैसे सॉल्व होगा, तो मैं सॉल्व कर लूंगा। ये हैबिट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम मिला, सोल्यूशन ढूंढिए, माथा पच्ची मारिए, एक 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 खोजने के चक्कर में पांच सीखिए। हाँ, जब नहीं होता है देन वी एक्सप्लेन, लेकिन आप जिस जो कोड ट्राई करेंगे वो कोड मुझे भेजेंगे ताकि देखूं कि आप सही ट्रैक पे दिमाग लगा रहे थे या फिर आप आउट ऑफ द ट्रैक थे, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही लाइन पे आप आ रहे हैं, मेरे और आप एक ही रास्ते पे है, या मैं कुछ और जा रहा हूं आप कुछ और जा रहे हैं।